Hello students, how are you? I am Mahkar Sir, your English teacher, class 9, subject English 2nd. Topic chal raha aapka active and passive voice. Aur dekhiye active and passive voice mein main aapko char tense ki passive voice banwa chuka hu, present indefinite, present continuous, present perfect aur past indefinite. Aaj jo hai panchva tense past continuous ki passive voice banwayenge, theek hai? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें. ओके, कम टू द पॉइंट. देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. नंबर 5 में आपका टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. और देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए यूज होगा बार बार प्लस वर्ब नंबर की थर्ड फॉर्म. ओके, यदि आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से है या इंट्रोवर्ट से है. यदि आपका इंट्रो एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा. यदि आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोवर्ट से है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोवर्ट से ही बनेगा. और यदि आपका एक्टिव वॉइस हू से है तो पैसिव वॉइस बाय हू से बनेगा. देखिए वो कीजिएगा बाय हो, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है. अगर उनके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर है तो बाय हो जाएगा. ओके, अब देखिए एक हेल्पिंग वर्ब को देख लीजिए हु. हाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब का एक्टिव वॉइस वाज गोपाल टेलिंग ए स्टोरी. स्पेशल वर्ब बताएगा वाज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाज तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब वाज ही होगा. अगर देखिए प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट में डिड है तो हमें पैसिव वॉइस में वाज के वर्ब का ही यूज करना है. ठीक है, तो वाज ए स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय गोपाल. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि आपका जो है सिलेबस सब कुछ तेज़ी से चल रहा है. हम ज़्यादा डिटेल में आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमें भी कोर्स खींचना है. आपके नेक्स्ट मंथ में जो है हाफली एग्ज़ाम है, तो इसलिए उसे अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू चलाए रखें और डेली वेज प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करें. ओके, और देखिए अब सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें. ओके, गुड बाय, टेक केयर एंड डू देयर बेस्ट. ओके.